हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीए इंग्लिश क्लासेस। स्पोकन बेस्ड यह ग्रामर क्लास है जिसका आज 16th डे है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कल हमने लिया और आज उसका सेकंड पार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट यानी जो काम हाल ही में पूरा हो चुका है, जैसे मैं यहां आ गया हूं, आप भी क्लास में आ गए हैं। अब आ गए की जगह आप इस क्लास में आ चुके हैं, आ गए हैं। मैं 3 किताबें लिख चुका हूं, मैंने 3 किताबों को लिख लिया है, मैंने 3 किताबें लिखी हैं। तीनों में से कोई भी एक पहचान हो सकती है जो प्रेजेंट से लिंक्ड है और काम पूरा हो चुका है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेकंड पार्ट में हम इसकी कुछ यूज सीखेंगे, कुछ ऐसी स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। वही प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद करनी है। रेगुलर इरेगुलर दो तरह की होती है, तो गो वेंट गॉन, टीच टॉट टॉट, स्पीक स्पोक स्पोकन, थर्ड फॉर्म यहां पे यूज करनी है। ही शी इट सिंगुलर नाउन हो तो हैज, आई वी यू दे प्लूरल नाउन हो तो हैव का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हैज हैव। अब कुछ इसके बीच में जो वर्ड्स लगते हैं जैसे जस्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना अगर जस्ट है, जैसे मैंने अभी अभी खाना खाया है, आई हैव जस्ट ईटन फूड। मैंने अभी अभी चाय ली है, आई हैव जस्ट टेकन टी। ऑलरेडी, ऑलरेडी माने पहले ही, वह पहले ही खाना खा चुका है, ही हैज ऑलरेडी ईटन फूड। बच्चे पहले ही होमवर्क कर चुके हैं, द चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी डन होमवर्क, डू की थर्ड फॉर्म डन। इसी तरह रिसेंटली, मैंने हाल ही में यह कोर्स शुरू किया है, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड दिस कोर्स। इसी तरह नेवर, मैंने पोएम्स कभी नहीं लिखी हैं, I have never written poems. वर्ब के पहले हम ये एडवर्ब्स लगाते हैं। अब नेगेटिव में अभी तक की इंग्लिश yet, till now या so far, yet को हम वर्ब के पहले भी ला सकते हैं, बाकी till now so far लास्ट में लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी has का hasn't, have not का haven't। जैसे मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, I haven't eaten food yet या टिल नाउ या सो फार, वह अभी तक यहां नहीं आया है, ही हैजंट कम हियर येट या ही हैजंट येट कम हियर, कोई भी एक में से लगा सकते हैं। अब इंटरगेटिव प्रश्न, इसमें एक जस्ट ऑलरेडी रिसेंटली नेवर तो है, जैसे क्या आप अभी अभी यहां आए हैं, हैव यू जस्ट कम हियर, क्या मोहन ने खाना पहले ही खा लिया है, Has Mohan already eaten food? एक और है ever. Ever का use E-V-E-R. Ever का अर्थ है कभी। क्या आपने कभी कोई कविता लिखी है? Have you ever written any poem? क्या मोहन ने कभी शेर देखा है? Has Mohan ever seen a lion? इस तरह से इसका यूज करते हैं। इंटरोगेटिव में वही हैज का हैजंट, हैव का हैवंट, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्या आपने चाय कभी नहीं लिए, हैवंट यू टेकन टी, अब कभी नहीं के लिए नेवर, हैव यू नेवर ईटन फूड, क्या आपने कभी खाना नहीं खाया है, क्या आपने चाय कभी नहीं लिए, हैव यू नेवर टेकन टी, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। हिंदी वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया है, क्या, व्हाट, कहां, वेयर, क्यों, व्हाई, कब, व्हेन, तो वो हैज हैव के पहले लगाएंगे। आपने हाल ही में क्या किया है, व्हाट हैव यू रिसेंटली डन, अब रिसेंटली को लास्ट में भी ला सकते हैं, व्हाट हैव यू डन रिसेंटली, वह अभी तक यहां क्यों नहीं आई है, नेगेटिव इंटर नेगेटिव, क्यों की इंग्लिश सबसे पहले व्हाई, व्हाई हैजंट शी येट कम हियर, Why hasn't she come here so far? इसमें से कोई भी एक हम लगा सकते हैं। इस पर आप एक पैराग्राफ बनाना, 10 सेंटेंसेस लिखना कि What have you recently done?
Like I have recently started this course. I have recently written a poem. My father has recently bought a new car. My mother has recently purchased new jewelry. My son has recently joined a new service. My daughter has recently passed class 12. My brother has recently purchased new furniture. इस तरह से क्या क्या recently हुआ है उसमें हम present perfect tense का use करें, लिखें, बोलें, बोल बोल कर आप इसकी practice करें. इसके साथ ही आप conversation के रूप में भी use कर सकते हैं कि what have you recently done, what have you and your family recently done. Like, hello Ramesh, what have you recently done? I have recently joined spoken English course. Great. Where have you joined this course? I have joined this course at CCI. Great. Okay. Have you started speaking in English? क्या आपने English में बोलना शुरू कर दिया है? Have you started speaking in English? Yes, I have started speaking in English. Yes. No हो तो? No. No, I haven't started speaking English so far. Okay. What has your father recently done? What has your father recently done? My father has recently resigned from his job. मेरे पिताजी ने हाल ही में अपने जॉब से रिजाइन कर दिया है. My father has recently resigned from his job. Has your mother purchased anything new? क्या आपकी मम्मी ने कुछ नया खरीदा है? तो yes या no में जवाब. No, she hasn't purchased anything new. Okay. What has your brother recently done? My brother has recently written a new poem. मेरे भाई ने एक नई कविता हाल ही में लिखी है. My brother has recently written a new poem. Has your sister passed class 12? क्या आपकी बहन ने class 12 पास कर लिया है? Yes, she has passed class 12 with flying colors. With flying colors means? With great success, with good marks. In this way, you can talk with your friend, your family member, with anybody. So if you start talking, if you think in English and then talk in English, then you can learn how to speak in English. And keep watching these lessons every day. From day one, you should keep revising them. Read, watch, learn, repeat again and again. Now we will take some forms of verbs. आज के लिए verb की forms हैं देखो, see, saw, seen, मिलो, meet, met, बोलो, speak, spoke, spoken, तोड़ो, break, broke, broken, चुराओ, steal, stall, stolen, चुनो, choose, chose, chosen, भूलो, forget, forgot, forgotten, उदय होना, बढ़ना, rise, rose, risen, चलाना, four wheeler चलाना, drive, drove, driven, सवारी करना, two wheeler चलाना, write, rode, ridden, लिखना, write, wrote, written, छिपना, hide, hid, hidden.